आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। भारत सरकार ने कमर्शियल माइनिंग को लेकर जो निर्णय लिया है, उसके बाद से ही कोल्ड फील्ड में काम करने वाले सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के नेताओं में हलचल मच गई है। आज उसी मुद्दे पर सीसीएल एनके एरिया में संयुक्त मोर्चा की बैठक डकरा स्थित एटक यूनियन ऑफिस में हुई। इसमें 9 यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता प्रेम कुमार और संचालन शैलेश कुमार ने किया। कमर्शियल माइनिंग और 500 कोयला ब्लॉक को निजी हाथों में देने के केंद्र सरकार के निर्णय की एक स्वर में आलोचना की गई और निर्णय वापस लेने तक आंदोलन करने पर सहमति बनी। आंदोलन के सबसे पहले स्टेप के रूप में सभी ब्रांचों में 22 तारीख को सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने और सेकेंड हाफ में महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। राजन सिंह राजा ने कहा, इसके पहले भी कोयला मजदूरों की चट्टानी एकता के सामने सरकारों को झुकना पड़ा है और इस बार भी संघर्ष को अंजाम तक पहुंचा कर ही हम लोग दम लेंगे। उन्होंने खलारी पीपरवार मगध अमरपाली सहित तमाम कोयला कर्मियों से अपील की है कि इस आर पार की लड़ाई को लड़ने के लिए एकजुट हो जाएं। हम लोग इनके क्षेत्र में संयुक्त मोर्चा की एक बैठक की है। अभी 3 दिन पहले जो भारत सरकार ने जो निर्णय किया है 500 खदानों को निजी हाथों में देने का जो निर्णय लिया है, हम तमाम जितने भी ट्रेड यूनियन हैं और जितने भी कोयला कर्मी हैं पूरे कोल इंडिया में, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और अपना जो हम लोग का जो विरोध प्रदर्शन है वो हम लोग 22 तारीख को हम लोग तय किए हैं कि 22 तारीख को हर एक ब्रांच में लोग झंडा बैनर के साथ में इस मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ नाराबाजी करके अपना विरोध प्रदर्शन का ये प्रदर्शन करेंगे। और सेकेंड हाफ में GM NK एरिया के जो GM हैं उनके माध्यम से हम लोग भारत सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए ज्ञापन भी सौंपेंगे और फिर आगे की रणनीति के लिए हम लोग फिर आगे एक फिर बैठक होगा और जो भी ऊपर से जो हमारे वरिष्ठ नेतागणों का जो निर्देश होगा उस अनुसार हम लोग अपना आगे का जो आंदोलन है या जो भी रणनीति है उसको तय करेंगे। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ इस क्षेत्र के पूरे NK पीपल। कोरोना काल में कोल इंडिया के कर्मचारियों ने पूरे तन मन धन से प्रधानमंत्री राहत कोष में 220 करोड़ का योगदान दिया। उसी का परिणाम स्वरूप आज हमारे वित्त मंत्री ने घोषणा किया है कि कोल इंडिया का जो अभी तक कोयला उत्पादन में एक अधिकार था उसमें कटौती करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में कमर्शियल माइनिंग, लीज ट्रांसफ़र और कोल इंडिया का प्राइवेटाइजेशन करने का जो निर्णय लिया गया है वह मजदूरों पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। और इतिहास गवाह है कि जब जब कोल इंडिया के मजदूरों पर सरकार ने हमला किया है, मजदूरों ने जोरदार तरीके से इसका विरोध किया है और मजदूर कोल सरकार को पुनः अपने निर्णय को वापस लेना पड़ा है। हम इस आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि कोल इंडिया के मजदूरों के भावना को सम्मान करते हुए केंद्र सरकार अपने निर्णय को वापस ले। धन्यवाद।